जिन्होंने विद्यापीठ में विधिवत विद्या संग्रह किया है, आचार्यों की सम्मति है कि ये क्रमशः पीएचडी। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 41वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहीं। राज्यपाल महोदया ने पीएचडी परस्नातक व स्नातक के छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्रदान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में छात्रों को प्रेरणा से परिपूर्ण बातें कही, जिससे उपस्थित सभी छात्र छात्राएं काफी प्रभावित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने विशेष तौर पर छात्राओं को बधाई दी, क्योंकि लगभग 67% से ज्यादा छात्राओं ने गोल्ड मेडल पाया, जबकि मात्र 32% छात्रों ने ही गोल्ड मेडल पाया था। अपने गौरवपूर्ण इतिहास का स्मरण करते हुए इस दिशा में अग्रसर रहे, मैं ऐसी मंगल कामना करती हूँ। विद्यापीठ के इन सत्र की कुछ उपलब्धियाँ मुझे रोमांचित कर रही है। पर्यावरण कुंभ का आयोजन 1 और 2 दिसंबर 2018 को हुआ, जिसकी उपलब्धियों को पूरे देश ने सराहा। इसी तरह राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यापीठ को 4 केंद्र मिले। इसी तरह शिक्षक एवं शिक्षण पर पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के तहत महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को मिला। महामहिम ने छात्रों से सवाल भी किया और कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप विवाह करने जाएं और लड़की आपको रिजेक्ट कर दें। हालांकि इस पर सब हंस पड़े, लेकिन महामहिम ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो आपको आगे आना होगा। गोल्ड मेडल लेते समय एक छात्र ने महामहिम से टीचर बनने का आशीर्वाद मांगा था, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया और भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा कि प्राइमरी का टीचर ही असल मायने में गुरु होता है। मिसेस आनंदीबेन पटेल, उनसे उनका भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा। उन्होंने वुमेन के बारे में बहुत कुछ कहा और वुमेन शिक्षा पे काफ़ी बल दिया। सवाल पूछेंगे आपके, खुद बोलें। मेरा नाम अंकित दुबे है और एमकॉम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कैसा लगा? देखिए, गर्व का विषय है, खुशी का विषय है, और खुशी इस बात की है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ मेन कैंपस से एक गोल्ड मेडल आया एमकॉम से, तो इस बात की बहुत बहुत खुशी है। देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि मेरी सिस्टर ने भी मेडल हासिल किया था और उन्हीं को अनुसरण करके आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ये अच्छा विषय है कि लड़कियाँ जो है आगे बढ़ रही हैं और समानता आ रही है देश में। इसके अलावा क्या अच्छा लगा राज्यपाल के भाषण में? देखिए, ऐसा है, जब राज्यपाल जी से हमें मेडल मिला तो हमने उनसे कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि शिक्षक बनना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचाना है। तो जब उन्होंने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और आशीर्वाद दिया, वहीं पर ही मंच पर बोला कि आप बहुत बड़े शिक्षक बनो, इसका आशीर्वाद है। तो ये जो क्षण था, ये ऐतिहासिक था, गर्व करने वाला था। क्या नाम है आपका? आस्था शर्मा। कैसा लगा आपको राज्यपाल का भाषण? बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो एजुकेशन के बारे में जो भी नॉलेज दी वो काफ़ी अच्छी थी और हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने वुमेन की हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ बताया, तो हमें वो भी अच्छा लगा। उनका जो मैटर था कि पीएचडी में उस विषय को भी शामिल करना चाहिए वुमेन की हेल्थ को लेकर, तो वो काफ़ी इनोवेटिव आइडिया था जो कि टीचर्स को लेना चाहिए। छात्राओं का परसेंटेज ज़्यादा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो गर्ल्स है आजकल हर फील्ड में अपना दिखा रही हैं कि गर्ल्स पावर दिखा रही है, तो इस फील्ड में भी, एजुकेशन के फील्ड में भी उन्होंने अपना गर्ल पावर दिखाया है और आगे भी दिखाती रहेंगी। राज्यपाल ने एक बात कहा, एक शादी की,
नहीं, क्योंकि आज का जो भी हमारा जो भी इन्वायरमेंट है वो एक एजुकेशन के बेस पर है, और जब भी एक इंसान एक एजुकेशन उसके अंदर एजुकेट होता है और तभी वो एक अच्छा अपनी कंट्री को सर्व कर सकता है। तो हर लेडी को एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो कि एक कंट्री को सर्व कर सकता है, ना कि ओनली उसकी फैमिली को ही। अपना नाम कुछ बताओ। मेरा नाम आत्म प्रकाश सिंह है, मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 2019 में LLM परीक्षा उत्तीर्ण की। आपको गोल्ड मेडल मिला है, कैसा लग रहा है? मेरा सौभाग्य है कि मुझे गोल्ड मेडल इस यूनिवर्सिटी का टॉपर होने की वजह से मिला है, और मैं इसी के साथ अपने ईश्वर का, अपने गुरु डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव का, अपनी माता का एवं सभी परिवार और स्नेहजनों का आदर करना चाहता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी सूझबूझ दी, समाज की ये समझ दी कि मैंने सदैव विधि का अध्ययन, समाज की समस्याओं को लेकर, और जो पंक्ति में पीछे रह गए हैं, जो निरी हैं, जो बेसहारा हैं, उनको मैं आगे कैसे लाऊं, इस दृष्टिकोण के साथ की है। तो मुझे लगता है आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन है कि समाज की सेवा करते हुए ईश्वर ने मुझे इस लायक समझा कि मैंने इस पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया और गोल्ड मेडल का अधिकारी बना। राज्यपाल का भाषण कैसा लगा? राज्यपाल का भाषण बहुत ही अच्छा था, और जिसे कहते हैं आम जनमानस को और प्रत्येक स्टूडेंट्स के दिल की पवित्र भावनाओं को छूने वाला था। उन्होंने सच्चे अर्थों में हम सभी विद्यार्थियों का, यहाँ के टीचर्स का मार्गदर्शन किया है, अपना सानिध्य दिया है कि पढ़ाई के साथ समाज और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या दायित्व तो होना चाहिए, और किस प्रकार ज्योति से ज्योति जलाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए हम इस राष्ट्र को विश्व गुरु बना सकते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि जो छात्राएं हैं वो ज़्यादा आगे रही हैं, लगभग दोगुने से भी ज़्यादा छात्र इस बार कम रहे गोल्ड मेडल पाने में, इससे क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है ये हमारे समाज और राष्ट्र के लिए इससे अधिक गौरवान्वित विषय होने का कोई दूसरा अर्थ नहीं हो सकता है, जहां हमारी बहनें, हमारी बच्चियां बच्चों से अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आज भारत में ऐसे तमाम स्टेट हैं, हरियाणा को लेकर और दूसरे स्टेट, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को लाना पड़ा, और मुझे लगता है अगर आज हमारी बहनें हमसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है, और समाज की उन सभी बच्चियों के लिए जो घर में बैठी हैं, और ऐसे सभी माताओं पिताओं अभिभावकों के लिए जिनको लगता है कि उनकी बच्चियाँ कुछ नहीं कर सकती है। मुझे लगता है सच्चे अर्थों में आज का दिन उन सभी के लिए प्रेरणादायी है कि हमसे अधिक हमारी बहनें हमसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर गोल्ड मेडल पाकर छात्रों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने बताया कि वो काफी खुश हैं, और राज्यपाल का भाषण सुनकर उन्हें प्रेरणा मिली है और साथ ही आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा भी मिली है। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।